हेलो फ्रेंड्स, आप वेलकम टू माय चैनल मी बी ए एजुकेशन। तो आज विच इज योर ओन स्टडी चैनल, उस पर आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी चैप्टर नंबर 4 विच इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। नाउ बीइंग अ बॉय और गर्ल इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वन्स आइडेंटिटी। अब जो जिस सोसाइटी में हम लोग बड़े होते हैं वो हमें कुछ ऐसे मैनर्स बोलती है, ऐसे कुछ शिक्षा देती है या टीचिंग्स देती है कि हाँ ये बिहेवियर गर्ल्स के लिए एक्सेप्टेबल है, ये बिहेवियर बॉयज के लिए, ये चीज़ें बॉयज कर सकते हैं, ये चीज़ें गर्ल्स कर सकती हैं, और ये चीज़ें बॉयज नहीं कर सकते और ये चीज़ें गर्ल्स नहीं कर सकती। और इन्हीं चीज़ों को लेके हम लोग अपनी अपनी थिंकिंग बना लेते हैं, अपनी सोच बना लेते हैं ऐसा ही। लेकिन क्या ऐसा हर जगह है? क्या हर सोसाइटी ऐसे ही देखती है बॉयज और गर्ल्स को? इसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा। और हम लोग ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि जो डिफरेंट रोल्स बॉयज और गर्ल्स को असाइन किए जाते हैं उनसे उन्हें कैसे मदद मिलती है अपने फ्यूचर को प्रिपेयर करने में, रोल्स एज मेन एंड वुमेन। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या सोसाइटी मेन और वुमेन को इक्वल वैल्यू देती है कि नहीं देती। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये एक स्टोरी दी गई है जिसमें क्या होता है, एक लड़की होती है, वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी हमारे टीचर में वॉलंटियर्स चाहिए, तो क्या अपने ऑफिस से आप छुट्टी लेके चलेंगी? मेरे दोस्त की मम्मी हमेशा चलती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती। तो उसकी मम्मी उसे बताती है गलत है, वो तो सुबह डेली 5 बजे उठ के घर का काम करती हैं। तो उनकी जो उस बेटी होती है कहती है वो घर का काम है, वो असली वक्त थोड़ी ना है। तो उसकी मम्मी बोलती है अच्छा ऐसा है, तो चलिए उनके घर चल के उनसे पूछते हैं। तो ये सिंक्स के हाउस पे चलती हैं। तो जो जिस लेडी को बोलती है कि काम नहीं करती, यानी जसप्रीत, उसके हस्बैंड हर्षन को बोलती है कि हर्षरन सुनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज नॉट अ वर्किंग पर्सन। फिर हर्षरन का बेटा बोलता है बट इजंट दैट राइट आंटी, माय मदर इज अ हाउसवाइफ, शी डजंट वर्क। तो यू ने जसप्रीत को एक आइडिया देती है, देन Speak. Why don't you just relax and let them manage everything for a change? तू बोलती है great idea. I'll go on a strike tomorrow. What fun? We'll take care of everything tomorrow with Papa. तो अब ये देखना, ये कैसे change of events होगा और इन्हें कितनी problems होगी? इन्हें problems कहाँ कहाँ होगी? सुबह के breakfast में, बच्चे क्यों नहीं तैयार हो इसमें, school bus छूटने में, tiffin के लिए, पंप के लिए, टी के लिए, घर की कंडीशन के लिए। और जब गेस्ट आएंगे तो तब तो तानाशाही होती थी कि हाँ आज से तैयार करना है, तो वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। वैल्यूइंग ऑफ हाउसवर्क। नाउ हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट वर्क जसप्रीत डिड विथिन द हाउस वाज रियल वर्क। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक for their family. Across the world, there are many families who think of this. Well, हमने ladies को housewives कह दिया। Well, this is wrong. They are actually the homemakers. Because they start up at 5 and do it till late night. It is the largest work or the longest work in the whole wide world. ना अब इनके साथ इनके घर में इनके घर पे एक डोमेस्टिक वर्क भी आती थी। वेल डोमेस्टिक वर्कर्स बेसिकली वुमेन्स होती हैं, नहीं तो कुछ केसेस में छोटे बच्चे भी होते हैं। इनके वेजेस क्या होते हैं? लोअर होते हैं, एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। वैल्यू किसकी? तो लेबर डिग्निटी इसके अंतर्गत आ गई। और किसकी? तो मनी वैल्यू कोई नहीं है इसकी।
डोमेस्टिक वर्कर्स डे बिगेन एट अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग एंड एंड्स अप एज लेट एट 12 इन नाइट डिस्पाइट द हार्ड वर्क टू डू द एम्प्लॉयज ऑफन डू नॉट शो देम हाउ मच रिस्पेक्ट दिस इज वॉट मिनाली A domestic worker had to say about her experience in Delhi. The experience है, we are not going to waste in this. तो ये एक डेटा है ये डेटा जो है it was in study by whom? The Central Statistical Organization of India. और ये कब से कब के बीच था तो 1198 से 1199 तक तो स्टेट क्या दिया हरियाणा हरियाणा में जो वुमेन है उन्हें पेड वर्क कितने घंटों का होता है उनका पेड वर्क होता है 23 आवर्स का और जो आवर्स अनपेड होते हैं उनके घर घर वर्क हाउस वर्क के लिए तो इट इज 30 टोटल कितना हुआ तो टोटल हो गया 53 कितना 53 अब तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में वो पेड आस कितना होते हैं तो 19 और 45 नॉन पेड होते हैं तो टोटल कितना हुआ हो गया 54 आवर्स ऑफ वर्क तमिलनाडु में वुमेन करती हैं और हरियाणा में 53 अब वुमेन के लिए क्या है मेन के लिए थोड़ा डिफरेंट है फॉर मेन इट इज 38 आवर्स पेड होता है और 2 आवर्स अनपेड होता है तो कितना हुआ 40 आवर्स वर्क पर वीक और ये तमिलनाडु में क्या 40 आवर्स पेड और 4 आवर्स अनपेड तो 44 और 40 में इनका काम हो जाता है वुमेन वर्क इनइक्वालिटी एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस वर्क एंड केयर गिविंग Wait a second. It is a part of larger system of inequality between men and women. It is therefore have to be dealt with through action, not just at level of individual or family, but also by the government. As we all now know, inequality is a term which can said to be only in books now because as you see many places there is no equality books mein kuch likh dene se sab kuch nahi ho jata hai you need to do something this violates article 15 kaun sa article maine bola article 15 kya kehta hai no discrimination of basis on caste religion sex place of birth etc This naturally has an impact on whether girls can attend or not attend school. It determines whether women can work on outside the house and what kinds of jobs and careers they can have. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया आंगनवाड़ी सेट किया आंगनवाड़ी क्या है तो चाइल्ड केयर सेंटर्स है हर विलेज बहुत सारे विलेजेस में है ये कंट्री में गवर्नमेंट ने पास लॉ पास किया है कि जो कि मैंडेटरी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि अगर उनके पास 30 वुमेन एम्प्लॉयज से ज्यादा है दे नीड टू प्रोवाइड क्रीच फैसिलिटीज द प्रोविजन ऑफ क्रीच हेल्प्स मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड होम इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर वुमेन और गर्ल्स टू अटेंड स्कूल्स अब जब आप उन्हें एजुकेशन दोगे नहीं So, how will they get jobs and you want the country to flourish?
अब एक कंट्री की फ्लरिश करने के लिए बोथ जेंडर्स के लिए फ्लरिश करना तो इम्पोर्टेंट है. सो दैट्स वाई इट सेड. नाउ हियर्स वेयर आवर सेशन एंड्स. बट बिफोर एंडिंग द सेशन आई नीड टू टेल यू सम फ्यू इम्पोर्टेंट्स और फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 15 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम and all the topics related to equality and stereotype, you know, some of the rural welfare schemes. Now thanks for watching, hope you like the session. If you do, please like this video, share this video, subscribe to our channel. I'll see you in my next video. Till then, bye bye.